नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर पर। देखिए, आज के जितने भी करंट अफेयर हैं सब पर हम पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के PDF की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको GS और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और GS के कई सारे अपडेट ऑटोमेटिक पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, इससे आपको मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और 2018 के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये थीम याद रखनी है और डेट याद रखना है, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कौन सा राज्य साझेदार राज्य होगा? तो देखिए, गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो आपका झारखंड है ये साझेदार राज्य होगा। और जो गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है ये आपका जो है 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और देखिए, जो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं श्री अमित खरे और जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं सुधीर त्रिपाठी, इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी रांची में, और यहीं पर जो है ये निर्णय लिया गया है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना है कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कि 20 नवंबर को स्टार्ट होगा और 28 नवंबर तक चलेगा, इसमें जो झारखंड है ये साझेदार राज्य होगा। और देखिए, जो झारखंड है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है रघुवर दास और झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड के बारे में ये सभी चीज़ें याद रखनी है। और देखिए, झारखंड की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपका झारखंड कुछ यहाँ पर लोकेटेड है और इसकी सीमाएँ जो है बिहार के साथ लगती हैं, पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं, उड़ीसा के साथ लगती हैं और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। देखिए, अभी मैंने कल वो यूपी टेट का मैं पेपर देख रहा था, तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस दे रहा हूँ। तो उसमें जो है यूपी टेट के पेपर में पर्यावरण का जो पार्ट था उसमें मैंने देखा कि उसमें जो है हर साल, मतलब लगातार 2011 से 2017 तक हर साल जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस राज्य की सीमाएँ किन किन राज्यों के साथ लगती हैं। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये समझ लीजिए उनके लिए रामबाण है। तो जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ कि किन राज्यों की सीमाएँ किन के साथ लगती हैं ये चीज़ें आप याद रखा कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा मोबाइल हेल्थ ऐप लॉन्च किया गया? तो देखिए, इस मोबाइल हेल्थ ऐप का नाम है मेडवॉच ऐप। देखिए, जो भारतीय वायुसेना है इसने अपनी 86वीं वर्षगांठ पे जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है पर जो है डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के बारे में प्रधानमंत्री के सपनों को ध्यान में रखते हुए मेडवॉच नामक इस मोबाइल हेल्थ ऐप को लॉन्च किया है। तो ये सभी जानकारी याद रखना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स है इसने एक मोबाइल हेल्थ ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है मेडवॉच ऐप। और देखिए, आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भारतीय वायुसेना है इसने 86वीं वर्षगांठ जो है अभी हाल ही में किस तिथि को मनाई है। और देखिए, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में रायबरेली के पास किस रेलगाड़ी के डिब्बे की पटरी से उतरने के कारण हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई? तो देखिए, इस रेलगाड़ी का नाम है न्यू फरक्का एक्सप्रेस। और देखिए, इस गाड़ी का नंबर क्या है? इस गाड़ी का नंबर है 14003 और ये चलती है पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से नई दिल्ली तक। तो याद रखिएगा कि न्यू फरक्का एक्सप्रेस का अभी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो जिला है रायबरेली, यहाँ पर एक स्टेशन है, इसका नाम है हरचंदपुर स्टेशन, ठीक है। तो इसी रेलवे स्टेशन के पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर माना जा रहा है कि जो यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं उन्होंने जो है सिग्नल तो दे दिया था लेकिन जो पटरियाँ हैं उनको चेंज नहीं किया था, तो ये पटरी जो है गलत ट्रैक पर चली गई और इसका जो इंजन है इसके समय जो है टोटल 5 बोगियाँ इसकी जो है उतर गई ट्रैक से, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट हुआ है 10 अक्टूबर को तड़के, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग में। देखिए, यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सभी की सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए, पिछले साल जब रेल दुर्घटनाएं हुई थी तो वहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें पूछी गई थी एग्ज़ाम में, क्या क्या पूछी जाती है इस टाइप के न्यूज़ से। देखिए, सबसे पहले ट्रेन का नाम पूछा जाता है, ट्रेन का नंबर पूछा जाता है और ट्रेन कहाँ से कहाँ तक मतलब किन दो स्थानों के बीच में चलती है और ट्रेन का नाम क्या था। तो देखिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको फिर से एक बार कि ट्रेन का नाम था न्यू फरक्का एक्सप्रेस। इसका एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो रायबरेली के पास हरचंदपुर स्टेशन के पास जो है जो आपकी ट्रेन है न्यू फरक्का एक्सप्रेस, ठीक है, इसका जो एक्सीडेंट हुआ है और इस ट्रेन का नंबर है 14003 और ये चलती है मालदा टाउन पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली तक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप दिमाग में बनाए रखिएगा। और देखिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ अपॉइंट हुए हैं जनरल असीम मुनीर और देखिए इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का। तो याद रखना है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के नए चीफ हैं
जनरल असीम मुनीर, ये आपके जनरल असीम मुनीर हैं और इन्होंने स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस वैश्विक संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि कोका कोला, पेप्सिको और नेस्ले जो है सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाती हैं पूरी दुनिया में। तो देखिए ये सर्वे किया गया अभी हाल ही में ग्रीन पीस के द्वारा। देखिए जो ग्रीन पीस है इसके द्वारा जो है प्लास्टिक प्रदूषण पर जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोका कोला, पेप्सिको और जो नेस्ले हैं ये विश्व भर में यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा फैलाती हैं। आपने देखा भी होगा अपने आसपास में जो प्लास्टिक के कचरे हैं उसमें कोका कोला की एक बोतल आपको जरूर मिल जाएगी, नेस्ले के जो प्रोडक्ट हैं कई सारे तो उनके जो है रैपर्स वगैरह मिल जाएंगे और पेप्सी तो काफ़ी पॉपुलर है, मतलब इसके भी प्लास्टिक के बोतल वगैरह मिल जाएंगे। तो अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है ग्रीन पीस के द्वारा और इसने ये बताया है कि कोका कोला, पेप्सिको और नेस्ले जो है ये सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाती हैं पूरी दुनिया में, ये पॉइंट याद रखेगा। और ग्रीन पीस की बात करते हैं, देखिए ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में वैंकूवर कनाडा। और देखिए ग्रीन पीस के संस्थापक सदस्य हैं पैट्रिक मुरे, रॉबर्ट हंटर और डेविड मैक टैगर्ट। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब के कौन से पत्रकार गुमशुदा हो गए हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। तो देखिए इनका नाम है जमाल खशोगी, देखिए ये आपके जमाल खशोगी हैं और देखिए कई सारे नेता जो है इन पर कमेंट कर चुके हैं और ये काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है और जो चीज़ें चर्चा में थी वही एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं। और देखिए अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने भी जो है सऊदी अरब के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जमाल खशोगी इनके गुमशुदगी पर जो है चिंता व्यक्त की है। तो आप याद रखिएगा कि जमाल खशोगी जो है ये सऊदी अरब के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि अभी हाल ही में गुमशुदा हो गए हैं। और देखिए सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के जो किंग हैं गदाम है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब के बारे में जानकारी याद रखना है। और देखिए आठवां प्रश्न है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया का तापमान कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो देखिए दुनिया का तापमान जो है ये 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1.5 डिग्री जो है ये बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक, ठीक है, डेट याद रखना है, 2030 तक जो दुनिया का तापमान है ये 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। देखिए जो आपकी IPCC है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इसने जो है चेतावनी दी है, ठीक है, इसने अलर्ट किया है पूरी दुनिया को कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके मौजूदा उत्सर्जन कर जो है ये तापमान जो है 2030 तक बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि 1.5 डिग्री जो तापमान में वृद्धि होगी 2030 तक ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज के कारण होगी। तो ये सभी चीज़ें याद रखेगा, दिमाग में बनाए रखेगा। और अब बात कर लेते हैं हम IPCC की। देखिए जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है इसका इसके मुखिया हैं वर्तमान में होसिंग ली और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक है बर्ट बोलिन और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। और देखिए नवां प्रश्न है कि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक घंटे कितने लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। तो देखिए इनकी टोटल संख्या है 17। और देखिए एक लाइन में बस ये प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में प्रत्येक घंटे यानी कि हर घंटे जो है डेली लोग 17 लोग जो है ये सड़क हादसों में मारे जाते हैं। और देखिए 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और इनका नाम है निकी हेली, ये आपकी निकी हेली जी हैं। तो याद रखना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया है निकी हेली ने। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसमें जो है अमेरिका की जो राजदूत है निकी हेली, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अमेरिका के मीडिया के अनुसार जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने जो है इसको स्वीकार भी कर लिया है। और देखिए 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने युवा ओलंपिक 2018 में लड़कियों के 44 किलोग्राम वर्ग में जूडो कराटे में जो है रजत पदक जीता है। तो देखिए इनका नाम याद कर लीजिए, इनका नाम भी 100% एग्जाम में आएगा क्योंकि इनके नाम से एक रिकॉर्ड जुड़ गया है। देखिए इनका नाम है तबाबी देवी थांगजम। तो याद रखना कि तबाबी देवी थांगजम जो है इन्होंने अभी हाल ही में 44 किलोग्राम भार वर्ग में जूडो में एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है यूथ ओलंपिक 2018 में। देखिए जो आपका युवा ओलंपिक 2018 जो आपका है ये आपका अर्जेंटीना की ब्यूनर्स आयर्स में जो है चल रहा है, इसके बारे में मैंने अभी हाल ही में पिछले करंट अफेयर में बता भी था। और देखिए जो आपकी तबाबी देवी थांगजम है, ठीक है, इनके बारे में रिकॉर्ड क्या है, इनके बारे में एक रिकॉर्ड है कि ये जो है जूडो में पदक जीतने वाली भारत की पहली भी महिला या फिर कह लें पहली व्यक्ति या फिर पहली खिलाड़ी, ठीक है, मतलब ये हर तरीके से पहली ऐसी खिलाड़ी है भारत की जो जिन्होंने जो है ओलंपिक में, ठीक है, जूडो में जो है पदक जीता है। और देखिए जो आपका अर्जेंटीना के ब्यूनर्स आयर्स में युवा ओलंपिक 2018 चल रहा है इससे जुड़ी एक और न्यूज़ है। देखिए भारत के एक और खिलाड़ी हैं तुषार माने, इन्होंने जो है निशानेबाजी में हाल ही में एक सिल्वर मेडल जीता है। तो ये पॉइंट भी याद रखेगा इस न्यूज़ के साथ में।
लेकिन जो आपकी पहली न्यूज़ है तबाबी देवी थानागम से रिलेटेड, ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं इसको। देखिए भारत की तबाबी देवी थानागम जो है ये भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में जूडो में हाल ही में रजत पदक जीता है, और अब तक भारत ने जो है कोई भी पदक नहीं जीता था जूडो में ओलंपिक में, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। और देखिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत का नया सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है, तो देखिए भारत के नए सॉलिसिटर जनरल बने हैं तुषार मेहता, और देखिए तुषार मेहता ने स्थान लिया है रंजीत कुमार का। देखिए जो आपके तुषार मेहता हैं इनके बारे में जान लीजिए, देखिए ये जो है अब तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे लेकिन अब जो है इनको भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये पद जो है ये सेकेंड हाईएस्ट रैंक होता है लॉ ऑफिसर का इंडिया में, तो देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सॉलिसिटर जनरल का जो पद होता है ये सेकेंड हाईएस्ट रैंक होता है लॉ ऑफिसर का भारत सरकार के। और देखिए पहला रैंक कौन होता है, देखिए पहला रैंक होता है अटार्नी जनरल का, ठीक है, जो अटार्नी जनरल है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है और इसके बाद जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम आता है, ठीक है। और देखिए जो आपका अटार्नी जनरल होता है, ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट का यानी कि भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। और देखिए जो अटार्नी जनरल होता है ये भारत सरकार के प्राइमरी लॉयर के रूप में काम करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए सॉलिसिटर जनरल पर फिर से हम लौट आते हैं, देखिए जो आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है इसका जो कार्यकाल होता है ये 3 साल का होता है, ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो सभी ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखनी है अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये था आज का करंट अफेयर, अब हम बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन आप देखिए। देखिए कल मैंने आपसे पूछा था कि 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो देखिए 2018 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और देखिए अगर आप नोबेल पुरस्कार के सभी विजेताओं का नाम जानना चाहते हैं और किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया ये जानना चाहते हैं, तो नोबेल पुरस्कार का मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, और साथ ही में उसका PDF भी जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो देखना है फिर उसके बाद जो है PDF डाउनलोड करना है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन को तुरंत और ऑटोमेटिक मिल जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।